नेचर आपको देने से पहले जांचना चाहती है, परखना चाहती है कि नेचर आपको जो दे रही है आप उसके लिए लायक हो या नहीं। एक ट्रेन हादसे में अपना एक पैर खोने के बाद और स्पाइनल कॉर्ड में मल्टीपल फ्रैक्चर होने के बाद माउंटेनियर अरुणिमा सिन्हा ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करना चाहती थी। नेचर ने अरुणिमा सिन्हा को चैलेंज किया, अरुणिमा मैं तुझे बहुत कुछ देना चाहती हूँ, प्रूफ कर। ट्रेन हादसे में एक पैर खोने के बाद अपने स्पाइनल कॉर्ड में मल्टीपल फ्रैक्चर होने के बावजूद भी, लोगों के उनको विकलांग कहने के बावजूद भी, लोग कह रहे थे कि अरुणिमा सिन्हा के पास रेलवे टिकट नहीं होने के कारण उसने ट्रेन से जंप कर दिया, सुसाइड करने की कोशिश की। नेचर ने अरुणिमा सिन्हा से पूछा, तेरे पास इन तमाम समस्याओं के बाद भी सॉल्यूशन है कि नहीं? अरुणिमा सिन्हा ने सारी बाधाओं पे, सारी सीमाओं को लांघ कर माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का निश्चय किया। हॉस्पिटल से सीधी अपने मेंटर बचिंद्र पाल के पास पहुंच गई। मैडम बचिंद्र पाल से कहा, मैडम मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। मैडम बचिंद्री पाल ने कहा, अरुणिमा तूने आधे से ज्यादा जंग तो जीत ली उसी समय जब आपने तय कर लिया कि आपको माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है, आपको माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। इस हादसे के 72 साल बाद अरुणिमा सिन्हा विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे थी। दोस्तों जब वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रही थी तब अरुणिमा सिन्हा का ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म ही होने वाला था, सिर्फ एक चीज उनके पास थी, वो थी उनकी दृढ़ इच्छा और मजबूत विश्वास। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ, मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। माउंट एवरेस्ट फतेह करने के बाद अरुणिमा सिन्हा को भारत के कई प्रेस्टीजियस अवार्ड मिले। भारत का सबसे बड़ा एडवेंचर अवार्ड तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2015 दिया गया, भारत का सबसे बड़ा अवार्ड पद्मश्री अवार्ड 2015 दिया गया, उसके अलावा उसको मलाला अवार्ड, फर्स्ट लेडी अवार्ड 2016 मिला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अरुणिमा सिन्हा इन अवार्ड्स के लिए या इस सोशल सम्मान के लिए डिजर्व करती थी या नहीं करती थी? करती थी। जब उन्हें हॉस्पिटल में अपना होश संभाला उसी टाइम उसने डिसाइड कर लिया था कि लाइफ का सबसे टफ गेम करना है, लाइफ का सबसे टफ गेम करना है। जिस तरह अरुणिमा सिन्हा ने अपनी लाइफ को टफ गेम को सिलेक्ट किया, ऐसे ही अगर आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं या अगर आपका टाइम टफ है तो समझो आप राइट ट्रैक पे हैं। नेचर आपको जज कर रही है।